Kartınızı alanda işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. ये बोर्डर के लिए आ गई है और 200 दीरा चार्ज कर रहे हैं बोर्डर के। ये हम आ गए हैं इमुनोनो स्टेशन और यहाँ से हमें अभी ट्राम लेकर सुल्तान अहमद मॉस जाना है, सुल्तान अहमद एरिया जाना है। अभी हम बस रेडी हो गए और आज प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे सुल्तान अहमद साइड। वहाँ पे जाके हम लोग वही सुल्तान अहमद मॉस है, सोफिया और उसका आसपास का जो एरिया है हमें वो कवर करना है। और अभी मैं रूट चेक कर रही थी कि हम बाय टैक्सी जाएं या ट्राम जाएं या मेट्रो जाएं, तो आई थिंक ईजियर वे जो है वो ट्राम है क्योंकि वो यहीं से ही चलती है। तो अभी हम निकलते हैं बाहर और इस्तांबुल कार्ड पहले हमने ख़रीदना है और उसके बाद हम अपना जो ट्रैवल है वो कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जा रहे हैं अभी तकसीम स्क्वायर, क्योंकि तकसीम स्क्वायर से जो ट्राम चलेगी वो हमें लेकर जाएगी सुल्तान अहमद एरिया। और यहाँ पे जो ट्राम चलती है वो इसी स्ट्रीट के लिए होती है, इस्तक़लाल स्ट्रीट के लिए। तो थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाता है ना फिर इजी हो जाता है। लेकिन जब तक हमें समझ में आता है दो दिन तीन दिन, जब तक जो है ना हमारे वापसी का टाइम हो जाता है। हमें यहाँ से मेट्रो कार्ड मिला है 80 लीरा का, ठीक है। और अब हमने इसमें जो है ना रिफ़िल करवाना है, हमने अपना अमाउंट जो है ना इसमें डलवाना है, जितना हम चाहें इसको टॉप अप करवा सकते हैं। ये पता नहीं इसी Turn right to stay on Istiklal Jadesi. Kartınızı alanda işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. More. İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Ye, hamne pehle 50 sadece lira. Kağıt para girişi yapınız. İsme top up karvay, ab ten ten karke on karva rahe. Kartınızı alanda işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Yes, 60. Okay. İşleminiz yapılıyor. Lütfen sadece kağıt para girişi yapınız. Okay. Kartınızı alanda işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz.
Kaç yükleriniz gerçekleşti? 70. Okay. और यहाँ से हमें अभी ट्राम लेकर सुल्तान अहमद मॉस जाना है, सुल्तान अहमद एरिया जाना है। ये बैठ जाए कुछ चेयर। हाँ हाँ है जगह, मैंने देख लिया, वहीं बैठती हैं। अभी हम एक रेस्टोरेंट आ गए हैं और इसका नाम है हबीब। इस रेस्टोरेंट का नाम जो मुझे समझ में आ रहा है वो तो है बैतुल हल। फूड ऑर्डर कर दिया यहाँ पे। रोटी फ्री है, आपको जितनी खानी है आप रोटी ले सकते हैं, रोटी फ्री है जो भी आप फूड ऑर्डर करेंगे उसके साथ। दिस इज बहुत दिन बाद यहाँ पे इस तरह से क्रिस्पी चिकन देखा, तो दिल जहाँ इसको मंगा के खाएं, लेकिन खाया, इसमें सॉसेस भी थे लेकिन स्पाइस नहीं था, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था, तो हॉट सॉस मंगाया। और ये इनका एक तरह से समझ लें इनका पिज़्ज़ा है, और ये ब्रेड होती है, इसके अंदर कीमा होता है, में वाला नान मुझे। इधर मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो इनका बीफ होता है ना उसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इनकी बीफ ना थोड़ा सा चिकना होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी चिकनाहट की या उसकी चर्बी की जो एक खुशबू होती है और उसका अरोमा होता है और उसका टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और मैं जो है ना ये हॉट सॉस डाला है मैंने, ठीक है, और अब मैं ये इन्जॉय कर रही हूँ। यहाँ पर आकर खाना पीना चलते फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, लेकिन ये कि फूड मैं कहूँगी सस्ता नहीं है, महंगा है। 200 लीरा से कम आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी, मिनिमम 200 लीरा, और अगर आपके साथ कोल्ड ड्रिंक जूस या फिर पानी भी ऐड करते हैं तो वो 50 ऐड कर लें तो 250 का आपको एक मील पड़ता है। अभी हम इमिनोनो स्टेशन से बैठ के हैं ट्राम में, और अब हम जा रहे हैं सुल्तान अहमद एरिया। लोगों से पूछते ट्रांसलेटर यूज़ करते हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत आसानी से हम लोग बसें या ट्राम यूज़ कर सकते हैं,
मुश्किल होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ऊपर से हमें ये नहीं पता कि हमें रास्ता कौन सा लेना है, इस रास्ते जाना है या फिर उसके ऑपोजिट वे जाना है, रोड क्रॉस करना है या नहीं करना, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो पूछते पूछते हमने अब ट्राम ले ली है और इस पे जो है 4 स्टॉप्स हैं, हम जब 4th स्टॉप आएगा तो हम उतर जाएंगे होपफुली।